उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा समेत आईएमसी के सात रहनुमाओं को घर में नजरबंद कर दिया गया। इन सबको 72 घंटों के लिए घर में नजरबंद करते हुए तमाम रहनुमाओं के घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया। मौलाना तौकीर रजा ने आज से तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया। इन्होंने पैदल मार्च के जरिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया और मुल्क भर के मुसलमानों से इस पैदल मार्च में शिरकत की भी अपील की। पुलिस इंतजामिया के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि तिरंगा यात्रा को कैसे रोका जाए। तिरंगा यात्रा से दिल्ली की तरफ मार्च की तैयारी की जा रही थी, तहम इसे पहले ही तौकीर समेत 7 अफराद को नजरबंद कर दिया गया, जबकि इस इलाके में दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया। इत्तला के मुताबिक पुलिस के आला अफसरान ने मौलाना तौकीर रजा के घर पहुंचकर उनसे बातचीत की।